स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देसी एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, फिर से मैं आप लोग सामने कक्षा 11वीं का विषय भूगोल का प्रेशर बैंक 2021-22 जो आपका पेपर होने वाले 2022 में जो फरवरी से स्टार्टिंग हो जाएंगे, इसके लिए मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ। साथ ही उनके आंसर ही बताऊँगा जो आपकी आपकी परीक्षा में प्रेशर बैंक से ही अधिकांश पेपर बनता है, तो आप लोग उनको पूरा कंप्लीट जरूर देखिएगा। साथ ही मैं आप लोग उनके ऑब्जेक्ट की भी आंसर बताऊँगा। जिस प्रकार से आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये आप लोग सामने ब्लू प्रिंट दिया गया है जिसके आधार पर पूरा आपकी पार्ट बाई पार्ट पूरा पेपर बनता है, कितने नंबर से कितने नंबर का आएगा। तो अभी हाल में जानकारी के लिए बता दूँ, आपका जो पूर्णांक रहेगा तो वो 70 नंबर का रहेगा, और अगर समय की बात करते हैं तो समय आपके पास 3 घंटे रहेंगे। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो। साथ ही अभी हाल के लिए मैं आप लोगों के सामने आप ऑब्जेक्ट और साथ ही उनके प्रश्न के आंसर भी बताऊँगा। जिस प्रकार से आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, जिस प्रकार से इकाई एक, ठीक, आपके यहाँ पर दिए गए जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा सवाल है, वो आप लोगों को सभी को पता होगा। तो इसके आंसर मैं आप लोगों को थोड़ी देर में प्रोवाइड करने वाला हूँ, पहले आप लोग प्रश्न देख लीजिए, क्योंकि आप लोगों को डायरेक्ट आंसर बता दूँ मैं तो आप लोगों के सामने कुछ समझ में नहीं आएगा। जैसे उदाहरण के लिए मैं अभी हाल में बता दूँ, जैसे प्रश्न पूछ रहा हूँ मैं कि राम के कि दशरथ के बड़े पुत्र का नाम क्या था, तो आप लोग सभी को पता है राम, या मैं भी बता दूंगा राम। अगर जैसे मैं डायरेक्ट आंसर बता दूं राम, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि राम क्या है, तो पहले प्रश्न ही तो देखना पड़ेगा ना आपको, तभी तो आपको अच्छी समझ में आएगा। सर ने आंसर भी बता दिया, हाँ, तो थैंक यू। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, जिस पर अगला प्रश्न है, निम्न में से मानव भूगोल की कौन सी शाखा है। ठीक, तो अगला प्रश्न जो आप यहाँ पर सतासत भी देख सकते हैं, रिक्त स्थान भी देख सकते हैं, तो पहले आप लोग इन प्रश्नों को देख लीजिए, फिर मैं उनके आंसर भी प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक, जिस प्रकार इकाई एक से ये मोस्ट इंपोर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं GIS व GPS में क्या है, तो इससे आप लोग अंतर भी पूछ सकते हैं। इकाई दो से यानी पृथ्वी आ सकती है, यहाँ पर पृथ्वी की आयु लगभग कितनी बार से कितने साल साल हैं, तो इनको सभी को मैं आप लोगों को डेफिनेटली आंसर बताने वाला हूँ। यहाँ पर सात असत दिए गए हैं, एक वाक्य में आंसर भी, रिक्त स्थान सही जोड़ी दी गुत्ती प्रश्न। इकाई तीन की बात करते हैं, इकाई तीन से आपकी भू आकृति रहेंगी जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्ट दें, इन्हीं से आपके पेपर में आएगा। फिर आप लोग कहोगे, आप लोग वीडियो पूरा कंप्लीट देखते नहीं, वो कहने लगते हो कि सर जी आया नहीं, ये नहीं आया, क्योंकि भाई ये पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा, बताइए। मैं तो वहाँ पर अब आंसर लिखने पहुँचना चाहूँगा, आप भी समझदार हो। इस प्रकार से सही जोड़ी भी दी जाएंगी, एक बार में उत्तर आंसर दिए, ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ही प्रश्न है। ठीक, ये पेट्रोलॉजी क्या है, ठीक, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इकाई चार जलवायु से रिलेटेड है, तो इस प्रकार से आप लोग इनको पूरे धीरे धीरे करके मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर दिखाता जा रहा हूँ, आप लोग एक एक करके पूरा कंप्लीट देखते जाइए। जिस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए गए हैं, तो आप लोगों को अच्छी तरह से इनको पढ़ लेना, क्योंकि आप लोग कक्षा 11वीं बच्चे हैं, आप लोगों को पूरा टेंशन नहीं लेना है, आपका सब पूरा अच्छा पेपर जाएगा भूगोल का। ठीक, जिस प्रकार से आप लोग इनको भी देख लीजिए। ठीक, आप लोगों के पास अभी भी एक महीने का टाइम है, आप लोग अभी भी पढ़ना चाहते हो तो अच्छी तरह से मात्र एक महीने आप लोग कड़ी मेहनत कर लोगे, तो गारंटी के साथ कहता हूँ आप लोग कोई फेल नहीं कर सकता। ठीक, इकाई छः से आप लोग के सामने मोस्ट है इंपॉर्टेंट, ठीक, पूरे मैं आप लोग पूरा कंप्लीट बताने वाला हूँ, इसलिए आप लोग पूरा कंप्लीट देखिएगा। इकाई सात से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हुए, इकाई सात की हो चुका है। इस प्रकार से इकाई आठ की बात करते हैं, तो आप लोग सामने इकाई आठ से प्रश्न है, तो जो अभी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो हम लोग जरूर इनको देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। फिर आप लोग कहने लगते हैं सर आपने प्रश्न नहीं बताया मोस्ट इंपोर्टेंट, तो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, सही जोड़ी भी दी गई है, हर इकाई बाई इकाई से काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आप लोग सभी को देखना चाहिए। इकाई नौ प्रकृति वनस्पति और मृदा, इस पार्ट से तो काफ़ी ज़्यादा आता है, वो ये काफ़ी ज़्यादा सैल भी आप लोगों को पता हुआ है। यहाँ पर सत असत हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति है, एक वाक्य मंशा है, सही जोड़ियाँ दी गई हैं, अति लघुत्व प्रश्न है। ठीक, जैसे कि प्रश्न है मृदा पदर के दो अप कौन से हैं, संस्तर किसे कहते हैं, सामाजिक बनी किया है, तो कितने सैन आप लोगों ने कक्षा 9 में भी पढ़ा होगा। अब मैं आंसर की बात करता हूँ, तो आप लोग सामने काफ़ी ज़्यादा आंसर ही बताने वाला हूँ मैं, तो आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हो, भूकंप क्या है, भूकंप के आने का कारण बताइए। फिर यहाँ पर कुछ ये मानचित्र भी दिया गया है, जो आप लोग सामने एक मानचित्र दिया जाएगा, और मानचित्र में आप लोग सामने इस प्रकार से नाम दे जाए, जैसे कक्ष की खाड़ी, आवर्त पर्वत श्रेणी, तो इनको आप लोगों को एक मानचित्र भरना पड़ता है। ठीक, तो अभी आप लोगों ने इतना देख लिया, अब उत्तरमाला की बात करते हैं, तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, मैंने कहा था ना मैं आंसर भी बताने वाला हूँ, तो इस प्रकार से आप लोग इनको थोड़ा, इकाई एक के आंसर जे हैं, इकाई दो के आंसर जे है। ठीक जी, आपके सही विकल्प हैं सत्तर सत्तर, देख कंप्लीट बताया गया है, आप लोग घबराने की बात नहीं है। साथ ही आप लोग तो खाने से यहाँ पर देख सकते हो। ठीक, इस प्रकार से। ठीक, अब जो जो बच्चों ने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है, थैंक यू, और जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो
तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, पहले आप लोग आंसर देख लीजिए। मैं आप लोग अभी नहीं बता रहा हूँ, आप लोग कहीं पाँच के देख सकते हो, कहीं छः के आंसर है, कहीं चार के आंसर है, ठीक है, कहीं सात के आंसर है, कहीं आठ के आंसर है, कंप्लीट बताया गया। आप लोग घबराने की बात नहीं है, मैंने क्या कहा था आप लोगों से इस प्रकार से। ठीक, तो और आप लोगों के सामने यहाँ पर मानचित्र दिया गया है जिसमें आप लोगों को पूरे कंप्लीट यहाँ पर भरना पड़ता है। अब आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूँ, आप लोगों ने भूगोल का तो कंप्लीट हो चुका है, अब अर्थशास्त्र राजनीति इनकी भी संपूर्ण हाल बताने वाला हूँ, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जो लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि मैं उन्हें अच्छे से समझा पाता हूँ, और सब्सक्राइब करने से यही फायदा होता है कि जो वीडियो मैं नेक्स्ट लाऊँ वो आप लोग इसी प्रकार से अच्छे से समझ लो, उत्तर भी मिल जाएंगे। यहाँ पर बहुत से लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया, मनीषा ने, अनिल ने, या भगवान दास ने भी कर लिया, लेकिन आप देख रहे थे भैया आपने क्यों नहीं किया, हाँ जैसे आपने भी कर लिया, अब आप देख रहे हैं, इन चलो कोई बात नहीं, जो देख रहा देखते रहो, जिनने सब्सक्राइब कर लिया उन्हीं को फायदा होगा, मिलते हैं हम लोग।